राम मेघवाल जी यस यस हाँ ओके मैं धन्यवाद धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। मेरे पास एक पाकिस्तान से मोबाइल पे कॉल आया था और उस मोबाइल का नंबर था 9233257581 36 और उस फोन करने वाले ने मुझे पूछा था कि आप 10 लाख रुपए जमा करा दीजिए, आपकी लॉटरी निकल गई है। और ये फोन मेरे पास आया था 10 फरवरी 2012 को। फिर मेरे द्वारा उनसे काफी देर तक बातचीत की गई तो मुझे पता चला कि ये कोई ठगी से संबंधित मामला है, षड्यंत्र है। मैंने इसकी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक को दी बीकानेर में, मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मैंने उसकी जानकारी चीफ मिनिस्टर कार्यालय में दी, मैंने इसकी जानकारी वहां एटीएस बना हुआ है उसको दी, और मैंने उसकी जानकारी डीजीपी पुलिस को दी, और सबको जानकारी देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने इसको प्रेस में दिया तो मेरे राजस्थान से संबंधित बहुत से लोगों के फोन आए कि ऐसे लोग ऐसे फोन पाकिस्तान से आते रहते हैं और एक बार हम 5 या 10 हजार रुपये जमा करा देते हैं, क्योंकि वो टोटल एड्रेस पूछते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, आपका पैन नंबर क्या है। उसके बाद एक बार अगर जमा करा देता है कोई तो उसको वो आतंकवादी संगठन से जोड़ करके कि भी आपका अकाउंट तो आतंकवादी संगठन में आ गया है, अब आप हमेशा पैसे जमा कराते रहो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरे पास वहां पाकिस्तान से फोन आता है और मैं वहां के जितनी भी अथॉरिटीज है राजस्थान की सबको सूचित करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मुझे अब बताया गया है, उन्होंने कहा बीएसएनएल के अधिकारियों से बात करो, तो बीएसएनएल के अधिकारियों से जब मैंने बात की तो पता चला कि बॉर्डर एरिया हमारा बीकानेर बॉर्डर एरिया में आता है, पाकिस्तान से लगा हुआ है। बॉर्डर एरिया में पुलिस और इंटेलिजेंस के पास जीपीआरएस सिस्टम ही नहीं है और सैटेलाइट फोन काम में लेने वालों का पता नहीं चल पाता। और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, जीपीआरएस सिस्टम ही नहीं है उनके पास। तो मैंने कहा मैं एमपी लैंड से दे देता हूं, मुझे बताइए कहां जीपीआरएस लगाना है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की विदेश मंत्री का नाम था हीना रब्बानी, उसके पास कोई फोन गया बेंगलोर से और पाकिस्तान के लोगों ने कहा साहब इसके हमारे विदेश मंत्री के पास, जबकि उसका कोई इरादा गलत नहीं था, उसके खिलाफ दूसरे दिन ही भारत सरकार ने कार्रवाई कर ली। मेरे पास फोन आया है, ऐसे हजारों लोगों के पास फोन आए हैं पाकिस्तान से, भारत सरकार क्यों नहीं जागी अभी तक और क्यों नहीं पाकिस्तान को कहा कि आप कार्रवाई करें। मेरी मांग गृहमंत्री से, रक्षा मंत्रालय से, इनसे है कि मेरे जैसे आदमी के पास भी फोन आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे हजारों आदमी ठगे गए। देखो मेरे पास ये जैसे 18,000 रुपए जमा कराए और उसको 10,000 रुपए मिले और उसके बाद उसको एक बार जमा करा दिया। ये आतंकवादी घटनाएं भी इस कांड से बढ़ती है, आदमी उससे जुड़ जाता है और आतंकवाद से भी जुड़ जाता है वो, और फिर उसका वो शोषण करते हैं पाकिस्तान के लोग। तो मेरी आपसे मांग है कि इस पे कार्रवाई करें और मुझे बताया भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद के सुरेश।